हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं करेला राई चिचड़िया। भी बोलती करेला चिचड़िया उड़िया में। आई होप मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ। तो मैंने करेले और आलू को छोटा छोटा काट लिया है। अब मैं राई का एक पेस्ट बनाऊंगी, जिसमें हम राई, लाल मिर्च, जीरा और लहसुन डालेंगे। इसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ। एक कढ़ाई में तेल ले लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा तेल ले लीजिए। एक्चुअली सरसों का तेल लेते हैं, सरसों का तेल मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं नॉर्मल तेल ले रही हूँ। ये थोड़ा हो जाने के बाद इसमें हम आलू और करेला डाल देंगे और इसको भुनेंगे। इसको अच्छे से 5 मिनट अच्छे से भून लीजिए। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। हम थोड़ा सा हल्दी, नमक, नमक स्वाद अनुसार, पीस दिया है सरसों, जीरा, लाल मिर्ची और मैंने मसाला पीस लिया है, जिसमें सरसों, जीरा, लाल मिर्ची और लहसुन डाल के। और ये जब तक हमारा फ्राई हो रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हमें सभी 5 मिनट हो गए हैं। हम इसमें डाल देंगे टमाटर। एक टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद अब इसके बाद हम ये मसाला डाल देंगे, सरसों वाला मसाला।